इलेक्शन 2024 की कैंपेन के लिए चंद घंटे बाकी रह गए। इलेक्शन कमीशन का कंट्रोल कैसे काम करेगा? कंट्रोल रूम में अब तक कितनी शिकायत मौसूल हो चुकी है? मुल्क भर में कितने कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं? जानते हैं अपने नुमाइंदे इब्राहिम अब्बासी से। इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूं इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल रूम के अंदर। ये कंट्रोल रूम कैसे काम करेगा इस मतलब जानेंगे एडिशनल डीजी कंट्रोल रूम हारून शिनवारी साहब से। हारून साहब, ये बताइएगा ये कंट्रोल रूम कैसे काम करेगा, कैसे शिकायत जो आपके पास आएंगी और शिकायत को जो है वो उनके ऊपर अमल किया जाएगा, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी किसी भी चीज़ के खिलाफ? इस कंट्रोल रूम के मातहत इस वक्त 180 कंट्रोल रूम पूरे पाकिस्तान में है, पूरे हर हल्के में है। और इसमें कोई भी हल्का पाकिस्तान का जिसमें अगर ज़ाबता अखलाक की खिलाफ हो रही है, इलेक्शन लॉज की हो रही है, इलेक्शन रूल्स की हो रही है, किसी इलेक्शन कमीशन के डायरेक्टिव की हो रही है, तो उस पर कोई भी वहाँ का रिहायशी हमें कॉल कर सकता है। हमारा नंबर नोट कर लें, 051-111-327-000। तो इस नंबर पे काइंडली आप इसको स्क्रीन पे भी फ्लैश कीजिए कि लोग हमें इस पे कॉल करें तो हम इस पे मुतलका DRO DMO RO सबसे हमारे रबते हैं और हमने इस पे एक्शन लेते हैं। अभी तक हमने तकरीबन हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग टीमें हमने लगाई हैं, क्योंकि इसके 4 टीयर्स हैं, इसके नीचे 4 सूबाई कंट्रोल रूम है जो लाहौर, कराची और सिंध और पेशावर में है। इसके नीचे फिर 32 जो पाकिस्तान के डिवीजन है, फिर रीजनल लेवल डिवीजन लेवल पे कंट्रोल रूम है। अभी तक 650 नोटिस दिए गए वायलेशंस पे, 250 के करीब वार्निंग्स दी गई हैं और 175 जुर्माने लगाए गए हैं मुख्तलिफ उम्मीदवारों पर। तो सबसे गुजारिश है कि मतलब अपना जो है बड़ा दिन आ रहा है तो इसके लिए ये कर लें कि जो भी वायलेशंस है पीसफुल रहे, अपना वोट कास्ट करने टाइम पे आए, सुबह के वक्त आए, शनाख्ती कार्ड अपना ओरिजिनल साथ लाएं। और अगर कोई भी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी आप कुछ भी हो रहा है ऐसा जिस पे आपको कंप्लेंट है, शिकायत है, तो उसका सही रास्ता यही है कि आपके अपने ज़िले में डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर भी हैं और उनके नंबर भी हमने अखबार में दिए हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम अगर कोई स्थान है तो वहाँ भी है, कराची में भी है, लंडी गोतल में भी है, पेशावर में भी है, हर जगह पर हैं। लेकिन अगर वो भी नहीं है तो आप जो हैं यहाँ पर कॉल कर लें, ये हमारी 26 लाइनें लगी हुई हैं, आप देख रहे हैं पूरा सिस्टम है। जी बिल्कुल, हारून शिनवारी साहब जो कि एडिशनल DG हैं कंट्रोल रूम के, उनके मुताबिक जो है 24 घंटे कंट्रोल रूम के अंदर जो है काम किया जा रहा है। 3 शिफ्टें जो है वो जो शिकायत हैं पूरे मुल्क भर से वो वसूल कर रही हैं, उसके ऊपर जो है वो एक्शन ले रही हैं। जी।